तो बहुत है ना। नमस्ते, मेरा नाम कोमल झा है और मैं आज आप सभी को 15 अगस्त के बारे में कुछ लाइंस बोलने जा रही हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से हम आज़ाद हुए थे। दोस्तों, उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाती है। आओ झुक कर सलाम करें जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद। इंडिपेंडेंस डे, अ बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर ऑल इंडियंस। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन 15th ऑफ अगस्त बिकॉज ऑन दिस डे वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड इलेक्टेड अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस इज जस्ट नॉट टू मार्क अवर फ्रीडम फ्रॉम द इन्वेडर्स हु रूल अवर कंट्री for 200 years, but also to celebrate each Indian's right to live freely and enjoy all other constitutional rights that shine gloriously in Constitution of India. India is a diverse country with 28 states, over 121 languages and 270 mother tongue. And Independence Day is a day to celebrate this diversity and the sprawling cultures that we cherish and preserve. स्वतंत्रता दिवस हमारे पूरे भारतवर्ष का राष्ट्रीय त्योहार है। सन 1947 से लेकर हर साल हम इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। इस साल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष गांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री इस अमृत काल में हर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। हमें गर्व होना चाहिए कि कितने सारे शहीदों ने हमारे देश के लिए बलिदान देकर हमें अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराया है। इन 75 वर्षों में हमारे देश ने अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक स्वर्णिम इतिहास रचा है। आज जब हम 25 वर्ष दूर हैं हमारे देश के आज़ादी के 100वें वर्षगांठ मनाने से, तो हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने कार्यों से हमारे देश के अखंडता और संप्रभुता को बढ़ाए रखना है और अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है। जय हिंद। एक दिन की गुलामी से बढ़कर है मौत भली और दासता के हलवे से कई भली स्वतंत्रता की मूड भली। 15 अगस्त 1947 हमारे लिए एक ऐतिहासिक और यादगार दिन, क्योंकि इसी दिन हम अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुए थे। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज संपूर्ण देशवासी 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रत्येक देशवासी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इसे और यादगार बना रहे हैं। आजाद भारत में जन्मे हम सभी को देश के लिए मन मिटने वाले सेनाओं पर गर्व है। अंत में मैं मैथिली संगुप्त के शब्दों में कहूँगी, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रिश्ता नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद। Very happy independence day to all of you watching this. I'm so happy to see the tide of independence India, and this day brings me a new spirit of hope, patriotism, enthusiasm, and make us remind that what sacrifices we have done for this day. But is it enough being constitutionally independent? Are we really free?
Are the women of India really free? Are we free from corruption? Do the kids have the right to choose their own career? Are the kids safe? The answer is definitely no. We only see the hashtags, pictures on Instagram, Twitter, Facebook, immersed with Deshbhakti songs to celebrate this independence. But we only have to free ourselves from this social evil. And I hope that we will weave a better future and embellish it with high hopes, growth and positivity. Wish you all a very happy Independence Day. इंडिपेंडेंस डे के मौके पर न्यूज़ द पैशन की पेशकश।